और इसके साथ जो हमने कल और परसों कैबिनेट मीटिंग्स की हैं उसके हवाले से आप लोगों से बातें करनी थी। बलूचिस्तान की तारीख में ये कभी पहले नहीं हुआ है कि कैबिनेट मीटिंग्स और पॉलिसी मैटर्स पे किसी हुकूमत ने इतनी तवज्जो नहीं दी है जो हमारी हुकूमत दे रही है। सबसे पहली जो हमने माइलस्टोन आप कह सकते हैं वो हमने बलूचिस्तान बैंक का क़याम, बाकी तीनों सूबों ने अपने सूबों के बैंक बना दिए हैं लेकिन हमारी नहीं बन सक रही है। तो हमने कल मंजूरी दी है कि बलूचिस्तान में एक बैंक का क़याम होगा जिससे तकरीबन कोई 1,500 के करीब पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाएगी और हर साल कोई 1.5 से 2 अरब का मुनाफा बलूचिस्तान हुकूमत को कमा के देगी। एक और अहम फैसला जो हुकूमत बलूचिस्तान ने की है, आपको पता है क्वेटा का मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो बड़ा महदूद था, हमने इसका एरिया बढ़ा के इसको बलेली से लेके कस्टम चेक पोस्ट तक, इसमें जिसमें कोई 3-4 इलाके हैं शादीजई, सरगुड़जई, बलेली और किची बेग, जिनको वो सिविक सर्विसेज नहीं मिल रहे थे, अब उनको हमने जो है मेट्रोपॉलिटन में शामिल कर दिया है और इसका दायराकार वसी कर दिया। वो ये क्वेटा के लिए और क्वेटा के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी जो सूबे हुकूमत ने की है और तकरीबन इससे जो है 12 लाख लोग जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाएंगे। हुकूमत की प्रायोरिटी होगी कि गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अक्रॉस द बोर्ड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी हमारी हुकूमत की फोकस हैं और हम जो है 3 महीनों में इन चीज़ों पे फोकस करते रहे हैं। और जो 2 दिन हमने 12-12 घंटे बैठ के हमने कैबिनेट की मीटिंग की है वो बेसिकली इसी का तसलसल है और इस पे हम जो है आने वाले जो भर्तियाँ होंगे हम आपके तवसुत से जो है बलूचिस्तान के अवाम को ये रेस्ट अश्योर करना चाहते हैं कि वो मेरिट पर होंगी और मेरिट पर लोग लगेंगे। किसी को भी शिकायत लगी आप लोगों के जो हैं ज़ुबान बन के वो शिकायत को हाईलाइट करें, हम बैठे हुए उसका ज़्यादा कर लेंगे। आज हमारे भाई हैं और कोई उनके साथ मामला नहीं है। अब एक घर में जो है अगर 4-5 भाई रहते हो तो आपस में जो है ज़रूर बातचीत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन इसमें किसी को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो हमसे दूर चले जाएँगे।